हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूले। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा नेहरू युवो केंद्रों संगठन के लिए यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसके लिए यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना होगा, कौन सा डेट से यहाँ पे एप्लीकेशन जो कि ऑनलाइन में सबमिट कर सकते हैं सब कुछ। तो दोस्तों, यहाँ पे 101 डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के पोस्ट निकला हुआ है, उसके बाद 70 अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट निकला हुआ है, उसके बाद 52 मल्टीटास्किंग स्टाफ और MTS की पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 15 दिसंबर 2018 से शुरू हो गया है एंड लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2018। तो दोस्तों, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2018। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे पोस्ट और एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर एंड अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड MTS और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। एसेंशियल या आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट BCom और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड उसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के लगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लगेगा फॉर द पोस्ट ऑफ यूथ कोऑर्डिनेटर एंड उसके बाद जो लोग अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते उन लोगों के लिए यहाँ पे आपको BCom के आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो आप तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट एंड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश आपको टाइपिंग में नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, लास्ट पोस्ट जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ और MTS के लिए यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते। और इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे और क्या क्या डिटेल्स है जिसको यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरिटल स्टेटस जो कि दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग एंड फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ शैल नॉट बी एलिजिबल। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे और क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है जिसको यहाँ पे आप लोगों को साथ शेयर कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन एग्जामिनेशन डिटेल्स जो कि है यहाँ पे आपको रिज्यूम, यहाँ पे आपको 40 मार्क्स के एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए रीजनिंग में आपको 40 क्वेश्चन रहेगा, या जनरल नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको हिंदी और इंग्लिश वर्सन रहेगा। तो जो लोग हिंदी में नहीं कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश में आप लोग अप्लाई कर सकते, एग्ज़ाम दे सकते। उसके बाद दोस्तों, ड्यूरेशन जो कि है 120 मिनट के आपको एग्ज़ाम के टाइम रहेगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल पेपर ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सोशल कल्चर लीगल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी एंड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए आपको भी यहाँ पे 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पे 40 मार्क्स रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के बेसिक से आपको यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम एंड उसके बाद आपको एक इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे आपको सिलेक्शन होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे और क्या क्या डिटेल्स दिया हुआ है जिसको यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा आपको ऑल ओवर इंडिया में, जिस तरह यहाँ पे जैसे कि आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड सूरत, दिल्ली, गोवा। तो दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में जो कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग ऑल ओवर से अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर आपका स्टेट में ही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की और भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन करना होगा, जिसके लिए इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ध्यान रखें दोस्तों, 31 दिसंबर 2018 लास्ट डेट है, उसके पहले ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। और कोई भी एप्लीकेशन चार्ज जो कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन चार्ज दिया हुआ है, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा फॉर SC ST PWD और एक सर्विस मैन के लिए। और जो लोग यहाँ पे OBC एंड जनरल है उन लोगों के लिए OBC
एंड जनरल मेल के लिए 700 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। जो लोग ओबीसी एंड जनरल फीमेल हैं उन लोगों के लिए 350 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस देना देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो डिटेल्स है यहाँ पे निकलवा हुआ है, तो जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हो, अगर आप लोगों को पसंद है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।